अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अजीज तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी YouTube चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मैं हूं ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करें क्लास 6 चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम फर्स्ट। आज करो यस वीडियो एक सवाल जवाब। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के जो सारे वीडियोस हैं आप अच्छे से देख, और अगर नहीं देख पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल जाके सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और आज के इस वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर के सवाल और जवाब। जवाब लिखियो गाव गाव यूस अस तेम क्या फर्स्ट दियुत। ठीक छ, गाव दियुत ये फर्स्ट ले सहस पैज इंसान क्यों। जो गाय थी उसका ये फैसला था कि इंसान को किसी भी तरीके से निपटा दो। दूसरा जवाब द्यूदारन केस कर सह तरफदारी। द्यूदार जो था उसने शेर की तरफदारी क्यों की। द्यूदारन कर अवै सह तरफदारी तिकेस सुह ओस इंसानस खताकार मानन। द्यूदार ते ओ सोरी खता इंसानस खालन। यह वजह गई कि एम हसा कर किम सस तरफ दे दी सही तरफ दे दी। ठीक, नेक्स्ट शाल सुंद फसल ओसा सही किम गलत। ये जो गीदर ने जो फैसला किया वो सही था कि गलत था। शाल सुंद फसल ओस इंसान सिन बापत सही ते सह सिन बापत गलत। इंसान के लिए सही था और जो शेर था उसके लिए गलत था क्योंकि उसे दोबारा से बंद कर दिया उसने। इंसानस तो सहस कथ पर वो न्याय। इंसान और जो शेर था इसको किस बात पे आपस में झगड़ा या न्याय जो है वो हो गया। सुहिल जालिमस यलगो तिमकर वादा खिलाफी या वाद खिलाफी किर्थ इंसानस खिनिच खै जहर। यम से इंसान नाराज गो तो यथ पट वो तमन पानवी न्याय। तो शेर को जब पिंजरे से निकाला गया तो उसने वादा खिलाफी की और वो इंसान को खाने के लिए तैयार हो गया, तो उसी वजह से जो ये था वो नाराज हो जाता है और बाद में क्या काम होता है आपस में इनको एक फितना पैदा हो जाता है। शाल ओसा गाटुल के छलबाज। शाल जो था वो अक्लमंद था कि वो जिसे हम कहेंगे छलबाज या लोगों को धोखा देने वाला था। शाल ओस गाटुल ये बहुत अक्लमंद था तिकेस तिम थो पनुन गाट जा पन्ने गाट जा बेइजारस मज बंद कर। शाल ओस गाटुल वो एक अकलमंद था और साथ में उसने अपनी अकलमंदी के जरिए क्या किया अपने जाल को सुह को फिर से दोबारा से उस पिंजरे में बंद किया और अपने आप को भी बचाया और साथ में इंसान को भी बचाया। यमो पशो मज कुछ कुछ जंगलन मज रोजान तो कुछ कुछ पथलन मज रोजान। यानी कि कौन से जंगली जानवर है और कौन से पालतू जानवर है। जंगली पशु गए यानी कि जंगलस में आसन रोजा तो पृथ्वी पशु गए युम पलित है को हापुत हांगुल रूस कच सुह पोंज तो वांदुर। यम गए जंगली जानवर इथे पेट गए पर्थिल पशु गए गाव खर दान गुर्त कट। सवाल नंबर 4 यमन लफजन हुंद वर्ताव नजरतल थेवित वर्तयु बुनकन आमित लफज ते यथ पट यम वर्तयवित। ओकर एक कोकरन ख्यो फल दहो कोकरो ख्यो फल दहन कोकरन कर लार। यानी कि तीन तरह से इनको हमें यूज करना है। शाल एक शालन त्रो दौर दहो शालो तुल त्रो दौर तो दहन शालन कर लार। खर एक खरन ख्यो गास दहो खरो ख्यो गास दहन खरन सार सोर बोर। ठीक स एक सुहन कोर शिकार दहो सुहो कोर शिकार दहन सुहन करक लार। दांत एक दांदन ख्यो गास दहो दांदो ख्यो गास दहन दांदन त्रोक गास। कंप्लीट। नेक्स्ट हापुत एक हाप्तन खे सावज दहो हाप्तो खे सावज तो इतने पट गो दहन हाप्तन पोश पूछ सावेज। वांदर एक वांदर चैत्रेश दहो वांद्रो चैत्रेश दहन वांद्रन करतलार। नेक्स्ट हांगल एक हांगलन ख्यो मास दहो हांगलो ख्यो मास दहन हांगलन करलार। मास की जगह अब गास लिखे ना हांगल च हर्बीवर
जनरली इसको आप इसकी जगह हाज भी लिख सकते हैं, फिलहाल सेंटेंस आपका ठीक है। नेक्स्ट, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट का बता दिया है कि जो भी लुक कथ होती है ये एक्चुअली इसे लुकन हंस का था सा, और एक जगह से दूसरी की गई जो बात होती है तचन लुक कथ। और लुक कथ का असली अगर फितरी एतबार से देखा जाए तो हकीकत में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि अक्ल में नहीं आती, लेकिन हम क्या काम करते हैं कि ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें एक अकल और इससे कुछ ना कुछ सबक जो है वो सीखने को मिले। तो ये सारी चीजें जो है इस एक्सट्रैक्ट में जो है वो लिखी हुई है। खरी जाए बरियो लफ्जों से अपर पोख गुण क्या उस अपर पोख शख्सा यह सच गुण ठीक दो गुड छारून त्रियम फैसल ठीक ये होता है इस डैश में मिसेत मास्टे लफज इसे हमारा त्रेमस से तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज द थर्ड वन हियर। डैश डैश ओस जंगल में पकान शाला ओस शाल सॉरी ये जो है पहला हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे अपर पुख शाला गुड़ने किस मज जवान शाला ठीक सॉरी गुड़ने किस मज जवान शाला तो इतने पर चीज ये तक इस चूरम यूस ऐसा चीज ये ऐसा चीज फोर निश लगा चूरम मस्त ठीक चूरम चीज शख्सा बकेट डैश डैश गाओ हम ठीक चा तो अब इसमें बकेट माने ठीक है ये जो है ये फिफ्थ वाले में लगता है तो आप इजीली देख सकते हैं फर्स्ट फिफ्थ फोर्थ दैट्स द सेकंड वन एंड दैट्स द थर्ड तो ये तीसरी हो गई। लास्ट वन ये मन महावरण लिखियो मास्टर जी प्रसिद्ध यहुन मतलब दम गसुन हसा गए छोप कारण छोप गसन या चुप हो जाना दम करण गो छोप कारण ठीक अकल कम है सोचत समझत पाकुन मैंग डालन गई बेकल बनन पत रोजन गो जायक रोजन ठीक। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का वीडियो, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और इंशाल्लाह जब तक हम नए वीडियो में मिलते हैं तब तक अपना ख्याल रखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।